सारा अली खान यानी कि पटौदी खानदान की बेटी। और आपको बता दें कि पटौदी खानदान की बेटी अक्सर अपनी बोल्ड, ग्लैमरस, अपनी रिवीलिंग लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती है। बीते दिनों ही उनकी फिल्म गैसलाइट रिलीज हुई है और तब से ही लेकर अब तक वो सुर्खियों में बनी हुई है। वेल, सारा अली खान जहां अपने एथनिक लुक्स को लेकर सुर्खियों में रही है, तो वहीं अपने बोल्ड ग्लैमरस लुक को लेकर भी सुर्खियों में रहती है। और जब भी वो वेकेशन मनाने जाते हैं तब बस उनका वहां से बिकनी लुक आना तो मानो तय है, और ऐसे में लोग उन्हें जमकर ट्रोल भी करते हैं। वेल, आपको बता दें कि सारा अली खान के कई बोल्ड ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। ऐसे में उनके मुस्लिम फैंस जो हैं वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बीते दिनों एक्ट्रेस सारा अली खान ने बीच साइड साइकिल पर बैठे हुए एक शानदार पोज दिया था, जहां उन्होंने फ्लावर वाली बिकनी पहनी हुई थी और साथ ही उसके ऊपर व्हाइट कलर का लॉन्ग फ्रॉक कैरी किया हुआ था। इस बीच एक यूजर ने कॉमेंट किया कि मुसलमान के नाम पे कलंक हो, बॉलीवुड वाले और कुछ भी नहीं। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भाई सारा अली खान, ये कोई तरीका नहीं है, तुम मुसलमान हो, तुम्हें इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। तो वहीं कुछ लोगों ने लिखा कि भाई नॉन मुस्लिम तो ठीक है, उनका समझ आता है, लेकिन आप तो इस्लामिक है, आप तो मुसलमान है, तो आखिर आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, आप मुस्लिम होने के नाम पर धब्बा है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब तुम हिंदू बन जाओ और उसी को अपना लो, तुम इस्लाम के लायक नहीं हो। कई लोगों ने कहा कि भाई मैडम आप हिजाब पहना करो, अल्लाह गुस्सा हो जाएगा। वेल, आपको बता दें कि कई लोग एक्ट्रेस सारा अली खान के इस बोल्ड ग्लैमरस लुक की तारीफ करते नजर आए, तो वहीं कुछ लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए नजर आए। वेल, ये अक्सर देखने को मिलता है कि सारा अली खान के मुस्लिम फैंस अक्सर उनके इस बोल्ड अंदाज को लेकर ट्रोल हो ही जाते हैं। इतना ही नहीं, सारा अली खान कई बार बिकनी पहने पानी के अंदर मस्ती करते हुए नजर आ चुकी है, तो कभी बीच साइड एंजॉय करते हुए नजर आती ही रहती है। वेल, आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि सारा अली खान के इस बोल्ड ग्लैमरस लुक को लेकर आपका क्या कहना है, इस पर आपकी क्या राय है।